ओके तो हमारा मेकअप सूट तैयार। तो गाइस वेलकम टू द न्यू प्रैंक। आज तक का सबसे जो जबरदस्त वाले प्रैंक लोगों को लगे, मतलब मुझे भी पर्सनली करने में और अंकिता के लिए तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक जो प्रैंक लगा है अंकिता को, वो था मेकअप डिस्ट्रॉइंग प्रैंक, जिसमें मैंने बहुत सालों पहले प्रैंक किया था अंकिता पे। मैंने पूरा मिल्कशेक बना दिया था उसके मेकअप का, जो बहुत सुपर एक्सपेंसिव पड़ा था मेरे को बाद में। तो हम वैसे कुछ प्रैंक करने वाले, पर इस बार रेसिपी थोड़ी चेंज हो चुकी है और रेसिपी चेंज में सिर्फ यही है कि इस बार हम मिल्कशेक नहीं, इस बार हम बनाएंगे अंकिता के मेकअप का सूप, प्रॉपरली मस्त यमी तरीके से बॉइल करके बनाएंगे और अंकिता के पास सामने पेश करेंगे और अंकिता को पूछेंगे उसको कैसा लगा। बहुत ही एक्सट्रीम जाने वाला है ये प्रैंक, तो एंड तक जरूर देखना। तो वैसे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं थोड़ा नींद में हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठा ये प्रैंक करने के लिए, लेट सोया था। फिर भी अंकिता अभी भी सो रही है एंड जाते हैं उसका मेकअप लाते हैं, सूप बनाते हैं। इस मेकअप का सारा सामान मिल चुका है, अभी हम बनाने चाहते हैं सूप और आपको भी बताते हैं कि मेकअप का सूप कैसे बनता है। और हाँ गाइस, कल काफी लोग ना मुझे पूछ रहे थे कि शॉर्ट्स आया नहीं मेन चैनल पे और ऐसे ब्लॉग नहीं आया, तो ब्लॉग में ऑक्सीजन था इसलिए हो नहीं पाया टाइम पे एडिट, इसलिए नहीं आया। शॉर्ट की बात करें तो अब मोस्टली शॉर्ट्स आएंगे हमारे नई शॉर्ट्स चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि फॉलो करो, बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट्स आने वाले। कभी कभार वीक में यहाँ पे भी पोस्ट करेंगे हम, पर मोस्ट ऑफ द शॉर्ट्स आएंगे शॉर्ट्स चैनल पे एंड ऑल्सो डेली ब्लॉग्स एंड गिव अवेज के लिए आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, रूल फॉलो कर लो ब्लॉग चैनल को एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, वीडियो को शेयर करना इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके अमेजिंग अमेजिंग कमेंट्स को मिलेंगे शाउट आउट। मेकअप सूट के लिए बर्तन लूट लेता, रुक जाओ, मम्मी हेल्प की जरूरत है। तो मम्मी को भी बता दो कि मैं करने क्या वाला हूं, सूप बनाना मेकअप का। मॉम का पता है, वैसे भी वो जो वर्ड है ना धांधिया, वो फेमस हो गया पता है, वो लास्ट वीडियो में जब मम्मी ने बोला था तो सबसे बोले था अरे धांधिया धांधिया, बहुत लोगों ने लिखा था नीचे। ओके तो हम पहले लेंगे ये एंड देन मेकअप किट में से देखेंगे क्या क्या है। ओके गाइस, तो बहुत ही एक्सपेंसिव मेकअप सूट बनाना शुरू करते हैं, इसमें हम स्टार्टिंग में लेंगे जो भी हाथ में आ जाए। ये है अंकिता का मेकअप सेटिंग स्प्रे, ऑब्वियसली थोड़ा लिक्विड तो चाहिए, ये काम करेगा पानी का। वैसे मैं पानी एक्स्ट्रा लेके आया था, मुझे लगा शायद सूट में पानी चाहिए होगा, तो दो दो ओ ये अलग कलर का है। अब आते हैं नेक्स्ट पाउच में, ये है अंकिता का मॉइस्चराइजिंग लोशन, ताकि सूप का टेक्सचर अच्छा होना चाहिए। टूटा हुआ बटर नाइफ ले लिया है ताकि अगर बिगड़ जाए तो मम्मी डांटे नहीं। अभी ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कौन सी कौन सी चीज है, पर इतना तो पता चलेगा कि मेकअप का सामान है, पूरा खाली कर देंगे इसको। मुझे इसका ब्रश पता चला था। गाइस मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि जो भी लड़कियां ये मेकअप डिस्ट्रॉइंग नहीं देख पा रही हो, या स्किप कर दो या तो कोई और वीडियो जाके देख लेना, आधी चीजें तो मुझे पता भी नहीं चल रही है क्या क्या है। टूट गया मेरे से। कॉम्पैक्ट देखो गाइस, स्टूडियो फिक्स, फाउंडेशन, प्राइमर, हुडा ब्यूटी का कुछ है, फाउंडेशन ही लग रहा है मुझे तो। ये है ग्लॉस, अरे यार ये ग्लॉस निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, निकल। टिंट पता नहीं किस चीज का है, बट इन प्रोडक्ट्स की बॉर्डर से प्रोडक्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। वाटर टिंट, बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसकी, ऑसम। स्ट्रॉबेरी लिपस्टिक, अच्छा मैक की है, एक और लिपस्टिक मैक की है। देखो गाइस अंकिता का फेवरेट पोर प्राइमर निकल जाए, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन निकाल रहा हूँ तड़का लगा के। फिर ये एक और मैक का कुछ है, वैसे बहुत कम बचा है, पर मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए तो इतना कम भी बहुत ज्यादा होता है, वो पूरा निकल गया। फाइनली पाउच का लास्ट प्रोडक्ट है, क्या है इसके अंदर, कुछ है ही नहीं, स्कैम, इसके अंदर कुछ नहीं है, आई लैशेज होने चाहिए इसके अंदर, वो भी देता मैं। तो ये है सारा मेकअप का सामान जो खाली कर चुका हूँ मैं, और ये है सारा अंदर का माल। भाई सोचो इतने हजारों की प्रोडक्ट्स, सिर्फ इतनी चीज निकलती है उसके अंदर से,
चलो अभी सूप को गर्म किया जाए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वो बोलते हैं ना धीमिया आंच पे पका है, फुल आंच पे पका है। ये पके तब तक मैं मेरा हाथ साफ कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा सूप बॉईल हो चुका है। ये बीच का जो पाउडर है वो पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे ओट्स हो, अजीब सा बीटरूट सूप लग रहा है ऐसा कुछ। कहीं आप लोग बताओ कि ये दिखने में किसके जैसा सूप लग रहा है। आई थिंक इतना बॉइलिंग इनफ है, अब इसको हम सर्विंग बाउल में ले लेते हैं डायरेक्टली। मीन मसाला तो रह गया। ओके, तो हमारा मेकअप सूप तैयार। मैंने बाकी का भी जो रह गया था रगड़ा वो भी इसके अंदर डाल लिया है। ये स्पून को वापस धोना पड़ेगा। यार कसम से बोल रहा हूँ, बहुत अमेजिंग फ्रेगरेंस आ रही है इसकी। ले जाके अंकिता को देते हैं, थोड़ा मैसी हो गया मेरे से। मेरे पास एक और ट्रिक है कि उसको कैसे बताऊँगा ये। अभी भी सॉरी। ओए उठ अंकिता, अंकिता ये गिरा ना दे यार। इधर 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 इधर। गुड मॉर्निंग। हाँ पहले तो एसी बंद कर, बहुत ठंडा रूम हो गया भाई तेरा। सुबह जल्दी उठ गया था और मम से मैंने थोड़ी हेल्प ली और एक अमेजिंग रेसिपी मैं ब्लॉग कर रहा था, ब्लॉग के लिए एक सूप बना रहा था। खड़ी हो, सूप बनाया तेरे लिए स्पेशली कुछ, पर इसमें तेरे लिए एक चैलेंज भी है। क्या क्यों ये थोड़ा ये मैसी हो गया मेरे साथ, ऊपर आते आते थोड़ा धुल गया था। पहले तो देख के बताना है कि ये कौन से फ्लेवर का हो सकता है। दूसरा मैं तेरे हाथ बांध दूंगा पीछे और तुझे सूंघ के बताना है। अगर तुमने सही गैस नहीं किया तो पनिशमेंट तेरी ये होगी कि तुझे नो हैंड मतलब हाथ बांधे हुए डायरेक्टली ऐसे पी के ट्राई करना है मतलब वो नो हैंड जैसा, ठीक है। हाँ सुन ना, अरे नहीं चलेगा, अभी अच्छी लग रही है नहीं। अरे हद है, सुनेगी, वीडियो चालू है अभी अंकिता। इधर देख ले एडिटिंग वाली, पहले देख के बता कि ये किस चीज का है। टोमेटो उसके ऊपर नहीं पता, ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप। ओके गाइस, तो अंकिता ये इधर देख। हे ओके गाइस, तो अंकिता ने जो पहला गैस किया वो गलत था। अब अंकिता के हम हाथ बांधेंगे। जल्दी हाथ दीजिएगा, ऐसे नहीं पीछे। अब अंकिता इसको सूंघ के बताएगी ठीक है। बीट का है, बीट का लग रहा है, स्मेल बीट की आ रही है। स्मेल का स्मेल तो अजीब सी आ रही है, कुछ अजीब सी मुझे बहुत अच्छा है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है। तो रुको जरा, सबर करो। वाटरमेलन, वाटरमेलन की स्मेल है। बस तो फिर गिव अप ना, एक और बार। ए पागल है, चीटिंग क्यों कर रही है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे है। कौन सा नेक्स्ट स्टेप? अरे बिना हाथ के टेस्ट वाला। हाँ, पर वो स्टेप मैं नहीं कर रहा हूँ, रीजन है उसका। मैं पहले दिखा देता हूँ कैसे बनाया क्या बनाया। मुझे पता चल जाएगा। चलेगा मेरे, अरे मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया, एक दो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं तो शायद तेरे को नहीं अच्छे लगे। ऊपर जो डाला तूने मशरूम डाले काट के? नहीं एक सेकेंड तू देख लेना, मैं बताता हूँ तेरे को। उसको इधर लाना। अरे साइड में रख रहा हूँ अंकिता, ठंडा हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, ठंडा हो जाना। अभी अंकिता को हम फुटेजेस दिखाएंगे कि मैंने कैसे पूरा बनाया है, अमेजिंग इतनी सारी मेहनत की अंकिता के लिए। चलिए शुरू करते हैं। Let's get started. Yeah. आप लोगों ने तो एक्चुअली पूरा देखा हुआ है वीडियो, तो यहाँ पे मैंने इसके रिएक्शन कट पुट्स में दिखाऊंगा, फिर देखते हैं अंकिता को कैसा लगा है, मैं बताता हूँ आपको। रेडी अंकिता? मेकअप मिल्शेक वाला मेरे आता है, क्या था ये मेकअप का सूप है। तेरा सारा मेकअप पूरा मेकअप है। देख देख देख, क्या क्या डाले थे, क्या क्या डाले थे सब कुछ। लास्ट में रिजल्ट इतना ही डाले थे, खाली कर चुका हूँ मैं। देखा नहीं, बात की नहीं है। मोबाइल फेंक दिया इसने।
पाव मत रखना, क्या कर लेगी तू ज्यादा से ज्यादा, क्या करेगी हाथ बांधने में, क्या कर लेगी क्या कर लेगी पागल की तरह, क्या बोल रही है क्या, अबे समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोल रही है यार, हमें से किसी को पता नहीं, आपको पता चला है क्या बोल रही है क्या कुकू, मुझे एक्चुअल में नहीं पता चल रहा है अंकिता रो रही है कि क्या कर रही है, अंकिता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तेरे को पता है ना दूसरा मिल जाएगा तेरे को, क्यों अरे आउच मम्मी मम्मी बचाए, अरे मैम तू मारने आ रही है मम्मी को पता है मैं मम्मी से सारी मदर की अंजी मैं नहीं आऊंगा कि तुम गाइस लगता है ये खत्म नहीं होने वाला, आप लग के काम करो सब्सक्राइब कर लेना, मेरा एक ही सर लाइक कमेंट शेयर इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, मैं बात कर लेता हूँ, ओह शिट गाइस ब्लॉग शेयर कर लेना, बाय कर लेना।